इसलिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान और बिहार में सभी के सहयोग से, सब लोगों का साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति तब हुई जब पंडित रघुनाथ जाग जी का कृपा हुआ कि राजद के एक मंत्री देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करे, दूसरा मंत्री रामचरितमानस के साथ खिलवाड़ करना चाहता। यह हिंदुस्तान है, सबका साथ सबका विकास कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, ये कहना है बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से राजद के विधायक और मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, कभी कोई मंत्री जो है रामचरितमानस को लेकर बोलता है तो कोई मंत्री जो है राजद के वो सेना पर बोलते हैं, ये सही नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तभी सभी के साथ और सभी के सभी जाति और सभी धर्म को लेकर सीधे तौर पर सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए लालू प्रसाद यादव पर और राजद के तमाम मंत्रियों पर किस तरीके से निशाना साधा है, पहले वो आप जरा सुन। बिहार की राजनीति में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह का बयान राजद के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट है कि ये लोग जाति समाज सबको तोड़ना चाहते, देश को तोड़ना चाहते। आप लोगों ने देखा होगा कि राजद के एक मंत्री देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा मंत्री रामचरितमानस के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, और तीसरा मंत्री आजकल जो बयान आया, उनको ये पता होना चाहिए था कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति तब हुई जब पंडित रघुनाथ जाग जी का कृपा हुआ और सम्राट अशोक सम्राट चंद्रगुप्त की उत्पत्ति भी यदि पंडित चाणक्य नहीं होते तो नहीं हो सकता था। इसलिए यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान और बिहार में सभी के सहयोग से, सब लोगों का साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश और सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है कि हम सबके साथ सबके विकास और सबके प्रयास की बात करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, सबको मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राजद के जो मंत्री हैं वो कभी रामचरितमानस पर बोलते हैं तो कभी जो है सेना पर बोलते हैं, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, और कोई मंत्री जाति आधारित बातें करते हैं लेकिन हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि राजद के लोगों का क्या भविष्य है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन रवि के साथ बने रहें दर्ज न्यूज़ के लिए और देखते रहें दर्ज न्यूज़।